हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर मैं MDF बोर्ड पर कलर लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर MDF बोर्ड पर कलर कैसे लगाते हैं, MDF बोर्ड की प्राइस क्या है और कितने का मिलता है और कहाँ पर मिलता है, MDF बोर्ड को सबसे पहले कौन सा कलर लगाना चाहिए, MDF बोर्ड पर कलर लगाने से पहले क्या क्या करना जरूरी है, MDF बोर्ड पर अगर पानी गिर गया तो क्या होगा, MDF बोर्ड का इस्तेमाल यानी उपयोग कहाँ पर होता है, MDF बोर्ड पर कलर लगाने से पहले आपको कांच पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। कांच पेपर यानी आप रेती रेती भी बोल सकते हैं इसको। तो कुछ इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से सभी जगह से यानी आउटसाइड से, बैक साइड से, फ्रंट सब जगह से आपको इसको अच्छी तरीके से घिस लेना है। कांच पेपर से आपको अच्छी तरीके से घिस लेना है। 0 नंबर का कांच पेपर आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो मैं फटाफट कांच पेपर को घिस लेता हूँ अच्छी तरीके से। और अगर MDF बोर्ड की प्राइस की बात करूँ तो, और ये MDF बोर्ड कहाँ पर कितने का मिलता है, MDF बोर्ड 4x8 की एक सीट आती है। एक सीट की प्राइस की बात करूँ तो तकरीबन 1200 रुपये की आती है। लेकिन MDF बोर्ड की थिकनेस यानी कि कितने mm की सीट है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है प्राइस। तो यहाँ पर मैं आपको बताते चलो, ये MDF बोर्ड आपको हार्डवेयर की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले व्हाइट कलर इसके ऊपर आपको लगाना है। हमेशा अगर आप ये MDF बोर्ड की अगर आप सीट लेते हो तो सबसे पहले उसको आपको क्या करना है, कांच पेपर से अच्छी तरीके से उसको अंदर बाहर से सब जगह से उसकी घिसाई कर लेना है। घिसाई करने के बाद उसके ऊपर सबसे पहले हमेशा दीवार पे जो आप कलर लगाते हो वो वाला इसके ऊपर MDF बोर्ड पर व्हाइट कलर आपको लगाना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे फटाफट इसके ऊपर व्हाइट कलर लगा देता हूँ। और अगर MDF बोर्ड पर पानी गिर गया है तो MDF बोर्ड खराब हो जाता है। और अगर भूल से MDF बोर्ड पर पानी गिर गया है या फिर पानी में MDF बोर्ड गीला हो गया है तो जल्दी से आपको MDF बोर्ड को धूप में रख देना है, नहीं तो MDF बोर्ड पर पानी के कारण खराब यानी फूल जाता है। और यहाँ पर MDF बोर्ड का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, MDF बोर्ड के इस्तेमाल की बात करूँ तो किचन, दरवाजा, फर्नीचर, शो पीस और डेकोरेशन में अलग अलग तरह की डिजाइन की कटिंग करवा के इस्तेमाल में उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने MDF बोर्ड पर आगे की साइड कलर लगा दिया हूँ। अब ये पीछे की साइड पर मैं यहाँ पे कलर लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी फटाफट मैं कलर लगा देता हूँ पीछे की साइड पर व्हाइट कलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने MDF बोर्ड पर व्हाइट कलर लगा दिया। व्हाइट कलर के लगाने के बाद अब इसके ऊपर चाहे जो सा पसंद का आपका पसंद का यहाँ पे कलर लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर ग्रीन कलर लगाने वाला हूँ। आपका जो पसंद हो वो कलर इसके ऊपर MDF बोर्ड के ऊपर आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं फटाफट इसके ऊपर भी ग्रीन कलर लगा देता हूँ फटाफट। तो यहाँ पर एक हाथ में ग्रीन कलर लगाऊंगा और इसके बाद वापस एक हाथ और कलर इसके ऊपर लगाऊंगा। फिर इसके बाद ये आप देख सकते हो एकदम से मस्त इसका ये कलर आपको MDF बोर्ड पर दिखेगा, एकदम अच्छा दिखेगा। ये कुछ इस तरीके से आपको लगाना है कलर। You just always been a tight rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Dial my number twice, promise I'll pick up the line. I see you're worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कलर लगा दिया हूँ। कलर लगने के बाद, सूखने के बाद अब इसके ऊपर मैं पॉलिश करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं वुड पॉलिश करने वाला हूँ ताकि ये दिखने में कुछ एक लेयर आपको कांच जैसे दिखेगी, जैसे टाइल्स के ऊपर आपको कैसे कांच जैसे एक लेयर दिखती है, इसी तरीके से इसके ऊपर भी आपको MDF बोर्ड के ऊपर एक लेयर कांच की दिखने वाली है। तो यहाँ पर मैं MDF बोर्ड के ऊपर वुड पॉलिश यानी वो आता है आपके ऊपर जो लकड़ी की चौखट रहती है, लकड़ी के दरवाजा में वुड पॉलिश करते हैं, वो यहाँ इस MDF बोर्ड के ऊपर मैं वुड पॉलिश करने वाला हूँ। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर इस करूँगा इसको इस्तेमाल। तो यहाँ पर आपको एक कपड़े का टुकड़ा ले लेना छोटा से, और कपड़े का टुकड़ा लेने के बाद उसके अंदर आपको गीला करके कुछ इस तरीके से हाथ से आपको इसके ऊपर पेस्ट करना है। तो कुछ इस पेस्ट करना है, फिर इसको 1-2 घंटे के बाद इसको सूखने के बाद फिर ये कांच जैसे आपको एक लेयर इसके ऊपर दिखने लगेगी। And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want. Like it. I know that you like it. You like it. Yeah, you like it. I know that you like it. You like it. You said that you were down just yesterday. Hoping you'll stick around and wait for me. I see you on the come up, but don't switch up on me. I know that you, I know that you, I know that you, I
तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं पड़ी तो आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, नीचे कमेंट में जरूर आप कमेंट कर देना।